दोस्तों ओलंपस मॉन्स हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट माउंटेन है जो कि प्लैनेट मार्स पर है। अगर हम ओलंपस मॉन्स पर क्लाइम करना चाहें तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ट्रैक बनाना पड़ेगा मार्शियन वोल्केनो ओलंपस मॉन्स पर, जो कि 25 किलोमीटर लॉन्ग होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी थिन है और मार्स के एटमॉस्फेयर में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए हमें एक ऐसा स्पेस सूट चाहिए होगा जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इस एटमॉस्फेयर में एल्टीट्यूड के लिए ऑक्सीजन लेवल को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्यूरिंग क्लाइंबिंग हमें पहली स्टेज पर वर्टिकल क्लिफ देखने को मिलेगा जो कि काफी डेंजरस है। 30 आवर्स की नॉन स्टॉप क्लाइंबिंग के बाद आप पीक पर पहुंचेंगे तो आपको थिन एटमॉस्फेयर के साथ साथ फ्लिमजी क्लाउड्स के वाटर वेपर भी फील होंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है, आपको बिगेस्ट क्रेटर देखने को मिलेगा जो कि 624 किलोमीटर इन डायमीटर है। और आपको बता दें कि ओलंपस मॉन्स हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।